इस वीडियो में हम एसेप्टिक एरिया प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे या क्लीन रूम प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। हम ये शब्द बार बार सुनते हैं, एसेप्टिक एरिया प्रैक्टिसेस, क्लीन रूम प्रैक्टिसेस, क्लीन एरिया प्रैक्टिसेस, बट वो क्यों जरूरी है? तो जब हम बात करते हैं क्लीन एरिया या एसेप्टिक एरिया, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं ग्रेड बी एरियाज, ग्रेड सी एरियाज, ग्रेड ए विच इज अंडर LF, प्योरेस्ट एरिया और क्लीनेस्ट जोन इन टू द क्लीन रूम और एसेप्टिक एरिया। तो एसेप्टिक एरिया प्रैक्टिसेस क्यों जरूरी है? तो ग्रेड बी, ग्रेड ए, ग्रेड सी के हिसाब से पार्टिकल्स डिफाइंड है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर फीट क्यूब या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मीटर क्यूब डिफाइंड। तो हमारी प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? एसेप्टिक एरिया प्रैक्टिसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, पहले उसके बारे में बात करेंगे। तो एसेप्टिक एरिया प्रैक्टिसेस स्टार्ट होती है आपके घर से। आपको अजीब लगेगा ये सुन के, बट हाँ, एसेप्टिक एरिया प्रैक्टिसेस चालू होती है आपके घर से। तो जब भी आप फार्मा कंपनी में काम कर रहे हो, इंजेक्टेबल्स में काम कर रहे हो और क्लीन रूम्स में काम कर रहे हो, तो आपको घर से ही तैयारी करके जाना है। आपको सेविंग करना है, अगर आप बॉय हो तो सेविंग करके जाना है। आपको डेली बाथ लेना है, आपके नाखून कटे होने चाहिए, आपके बाल बहुत लंबे नहीं होने चाहिए। क्यों? कि ये सब चीज़ें पार्टिकल जनरेट करती है। और जब आप क्लीन रूम में जाने वाले हो, जब आप एसेप्टिक एरिया में जाने वाले हो, तो ये पार्टिकल्स काफ़ी सारा कंट्रीब्यूट करते, एरिया को ख़राब करते। तो सबसे पहला लेसन ये है कि आप जब भी घर से जाते हो तो आपको नहा के जाना है, सेविंग करना है, बाल कम रखने हैं और स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहन के जाना है, शूज पहन के जाना है, खुले पैर या चप्पल या सैंडल पहन के नहीं जाना है। क्यों? सैंडल या चप्पल पहन के जानते हो तो आपके पैर पे धूल मिट्टी लग सकती है और वही धूल मिट्टी आप क्लीन एरिया या एसेप्टिक एरिया तक ले जाओगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गाउनिंग। तो ये सब चीज़ें जरूरी है स्टार्टिंग फ्रॉम द होम। नाउ अब कंपनी में बारे में बात करते हैं। तो जब भी आप कंपनी में जाते हो तो आपका एक गाउनिंग प्रोसीजर होता है कि आपको स्ट्रीट शूज, स्ट्रीट क्लोथ निकालना है, स्ट्रीट शूज निकालना है और प्राइमरी गाउन करना है जो कंपनी ने दिया है। तो आप घर के कपड़े चेंज करके कंपनी का प्राइमरी गारमेंट पहनते हो। फिर अगर आप ग्रेड सी में जाने वाले हो तो दूसरा एक गाउन आता है जो वॉश्ड होता है, जो धुला हुआ होता है। और अगर आप एसेप्टिक एरिया ग्रेड बी में जाने वाले हो तो आपको स्टराइल गारमेंट पहनना होता है जो वॉश्ड एंड ऑटोक्लेव या स्टराइलाइज हुआ होता है। तो वो सेकेंडरी गारमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने प्राइमरी गाउन पहना, सेकेंडरी गाउन पहना, तो जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में से पर एवरी मिनट, एवरी सेकेंड हजारों लाखों पार्टिकल्स जनरेट होते रहते हैं। और वो डिपेंड करता है, अगर आप चल रहे हो, आप दौड़ रहे हो, आप बैठे हो तो कम पार्टिकल जनरेट होते हैं, अगर आप चल रहे हो तो उससे ज़्यादा, और अब आप दौड़ते हो तो बहुत ज़्यादा, अगर आप बोल रहे हो तो मुंह में से भी बहुत सारे पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। तो ये जो बॉडी में से जो पार्टिकल निकल रहे हैं उसको एरिया में जाने के लिए प्रिवेंट करने के लिए हम प्राइमरी गाउन पहनते हैं और उसके ऊपर सेकेंडरी गाउन पहनते हैं। तो जिसकी वजह से बॉडी में से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो पार्टिकल एरिया में नहीं जाएंगे। तो ये तो हो गया कंट्रोल जो कंपनी ने किया हुआ है कि आपको दो गाउन दे दिए, बट हमको क्या करना है? तो जब भी हम एसेप्टिक एरिया या क्लीन एरिया में जाते हैं तो दो चार चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है और उसको फॉलो करना है। अगर हमने फॉलो नहीं किया तो हम एरिया को कंटामिनेट करेंगे। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं? पहला तो आपको गाउन बराबर से करना है, जो भी प्रोसीजर दिया हो उसके हिसाब से बराबर करना है। अगर मास्क पहनने का बोला है तो मास्क बराबर पहनना है, हुड पहनने का बोला है तो हुड बराबर पहनना है, गॉगल्स पहनने का बोला है तो गॉगल्स बराबर पहनना है। क्यों? कि अगर आपने मास्क या गॉगल बराबर नहीं पहना और ये गॉगल्स ऊपर किया तो जो ये स्किन का पार्ट है ये एक्सपोज होता है और यहाँ से बहुत ज़्यादा पार्टिकल, अगर बॉडी में गिना जाए तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स अगर हम गिने तो यहाँ से जनरेट होते हैं। तो अगर हमने गॉगल्स बराबर नहीं पहना, मास्क बराबर नहीं पहना है, तो यहाँ से बहुत सारे पार्टिकल जनरेट होंगे और वो एरिया को कंटामिनेट करेंगे। ये पार्टिकल में बैक्टीरियल कंटामिनेशन भी होता है। तो मेरा जो ग्रेड है, ग्रेड बी है, ग्रेड सी है, या अगर आप ग्रेड ए में इंटरवेंशन कर रहे हो तो ग्रेड है, तो उसको आप कंटामिनेट करोगे, ये कंटामिनेशन जाएगा अल्टीमेटली प्रोडक्ट में। तो हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि इंजेक्टेबल प्रोडक्ट के अंदर इतना सारा कंटामिनेशन जाए या कुछ भी कंटामिनेशन जाए। तो सबसे पहला ये है कि प्रॉपर गाउनिंग। दूसरा क्या आता है? दूसरा, आप कैसे मूव कर रहे हो एरिया में। तो जब आप
क्लीन एरिया या एसेप्टिक एरिया में काम कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा तेज मूव नहीं करना है, आपको स्लोली चलना है, बहुत ज़्यादा भागना भी नहीं है, तेज भी नहीं चलना है, एकदम स्लो चलना है। क्यों? स्लो चलने से जो पार्टिकल जनरेट होंगे ना वो बहुत कम जनरेट होंगे। दूसरा आता है बात करने, तो क्लीन एरिया या एसेप्टिक एरिया में आपको जरूरत है उतनी ही बात करना है, उससे ज़्यादा गॉसिप ये वो या जोर से भी नहीं बोलना है, आपको जो भी काम है उसके रिलेटेड ही बात करना है, उससे ज़्यादा कुछ बात नहीं करना है। तीसरा, आपको जो मूवमेंट कर रहे हो हाथ के मूवमेंट एक्टिविटी के टाइम पे, वो हाथ के मूवमेंट भी स्लो करने, फास्ट मूवमेंट नहीं करना है। फास्ट मूवमेंट करने से क्या होगा, पार्टिकल्स ज़्यादा जनरेट होंगे। चौथा, अगर आप काम कर रहे हो तो आपको फ्लोर पे नहीं बैठना है, नीचे कभी भी नहीं बैठना है। क्यों? कि फ्लोर जो होता है वो पूरे एरिया में सबसे कंटामिनेटेड होता है। हम क्लीनिंग सैनिटाइजेशन कर रहे हैं बट फ्लोर पे सबसे ज़्यादा कंटामिनेशन होता है। अगर आप नीचे बैठ जाते हो या नीचे टच कर जाते हो तो जो भी कंटामिनेशन है आपके गाउन पे आएगा और अल्टीमेटली एरिया में ज़्यादा फैलेगा। चौथा, पांचवा बोलेंगे कि आपको दीवार से सट के खड़ा नहीं होना है, दीवार को टच करके खड़ा नहीं होना है, किसी कलीग के कंधे पे हाथ नहीं रखना है, हैंडशेक नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पार्टिकल्स ज़्यादा जनरेट करती है। फिर अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी हैंडल कर रहे हो तो उसको स्लोली हैंडल करना है, असेंबलिंग कर रहे हो तो बहुत स्लोली करना है, आपका जो भी एक्टिविटीज है आपको बहुत स्लो करना है। अगर आपकी तबीयत खराब नहीं है, आपको फीवर है, आपको खांसी है, तो सर्दी है, तो आपको अपने सुपरवाइजर को बताना है और एसेप्टिक एरिया में या क्लीन एरिया में नहीं जाना है। तबीयत खराब होने से, सर्दी खांसी होने से बहुत ज़्यादा हम बैक्टीरिया रिलीज कर रहे हैं, तो अगर आपकी तबीयत खराब नहीं है तो आपको क्लीन एरिया में एसेप्टिक एरिया में नहीं जाना। एक और बात, जो भी आप ज्वेलरी पहनते हो, चैन पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, तो ये सब चीज़ें आप जब अंदर जा रहे हो, घड़ी पहनते, तो ये सब चीज़ें पहन के क्लीन एरिया या एसेप्टिक एरिया में नहीं जाना है। क्यों? अगर आप घड़ी पहनते हो, अगर आप चेन पहनते हो, अगर आप अंगूठी पहनते हो, तो वो फ्रिक्शन करती रहती है और उसकी वजह से जो स्किन के पार्टिकल्स है, स्किन फ्लैक्स है, वो बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं। मेकअप नहीं करना है गर्ल्स के लिए, इवन बॉयज़ के लिए मेकअप नहीं करना है। जब आपको एसेप्टिक एरिया क्लीन एरिया में जाना है तो आपको मेकअप नहीं करना है। रीज़न यही है कि मेकअप करते हो तो पाउडर लगाओगे या कुछ तो भी लगाओगे और वो उसके पार्टिकल एरिया में जाएंगे, ये पार्टिकल एरिया को और ज़्यादा कंटामिनेट करेंगे। तो जब आपको क्लीन एरिया एसेप्टिक एरियाज में जाना है तो मेकअप नहीं लगाना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है जब हम काम कर रहे हैं एसेप्टिक एरिया में। मैंने पहले बोला कि घर से स्टार्ट होता है और आपके पूरे ओवरऑल बिहेवियर से उसको इम्पैक्ट करता है, आपका पूरा बिहेवियर इम्पैक्ट करता है कि आपकी वजह से क्लीन एरिया में कंटामिनेशन मेंटेन रहेगा या आप बहुत ज़्यादा अगर तेज चलते हो, बहुत बातें करते हो, गॉसिप करते हो, बहुत ज़्यादा हंसते हो, तो आप एरिया को बहुत ज़्यादा कंटामिनेट करोगे। तो ये सब चीज़ें हमको अवॉइड करनी है जब अब हम काम कर रहे हैं क्लीन एरिया में या एसेप्टिक एरिया में। तो आशा रखता हूँ कि छोटा सा वीडियो आपको हेल्प करेगा कि आप क्लीन एरिया या एसेप्टिक एरिया में कैसे काम करेंगे। थैंक यू।